OVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीबी मार्केट के पीछे बाईपास रोड फिरोजाबाद। शांत सुरम्य वातावरण, शहर के बीच भव्य विद्यालय का भवन, साफ स्वच्छ हवादार एवं सुंदर फर्नीचर से युक्त कक्षाएं, सुसज्जित प्लेवे, आंतरिक एवं बाहरी खेलों की व्यवस्था, स्वच्छ पीने योग्य जल की व्यवस्था, योग्य एवं अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाएं, विशाल खेल परिसर, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त अध्यापन की व्यवस्था, संस्कार एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों की कौशल क्षमता का विकास, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अध्यापन कार्य, कक्षाओं में विद्यार्थियों की सीमित संख्या, व्यावहारिक शिक्षण हेतु समय समय पर विद्यार्थियों को भ्रमण हेतु लेके जाना, कम खर्च व कम फीस में अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को लेने और छोड़ने हेतु उचित वाहन व्यवस्था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता, वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद नगला करण सिंह गली नंबर 5 में बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय में आज 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने अपने अपने विचार रखे और बाबा साहब के जन्म के बारे में सदर विधायक मनीष असीजा ने बताया, बाबा साहब किसी एक समाज के नहीं है, ये सभी समाज के हैं, सभी को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। ये कार्यक्रम आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में रखा गया था। इसमें सांसद डॉक्टर चंद्रसेन जादौन, मेयर नूतन राठौर, महानगर के जिला अध्यक्ष राकेश जंखवार के अलावा तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता गण मौजूद रहे। वहीं मंच पर पहुंचने के लिए मेयर नूतन राठौर को काफी इंतजार करना पड़ा। मेयर नूतन राठौर मंच के सामने पड़ी कुर्सियों पर बैठी थी। काफी समय के बाद में नूतन राठौर को मंच पर पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस पर मेयर नूतन राठौर सहित उनके पिता मंगल सिंह राठौर असंतुष्ट दिखे। किस तरह के विचार गोष्ठी का कार्यक्रम किया गया? आज राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर सभी जिले और मंडल स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए बाबा साहब के, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 14 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी के 6 पर्वों में से एक, और इसलिए बूथ स्तर तक सारे कार्यक्रम किए गए बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर हम सभी चलते रहे, इस बात का प्रयास हम करेंगे। और सभी वक्ताओं ने इस बात का प्रयास किया और आगे वाले आने वाले लोगों से कहा कि सभी लोग बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर चले। इसका क्या मुख्य उद्देश्य था? आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 135वां जन्मदिवस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह मनाया गया है कि डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज है। इसमें भारतीय जनता पार्टी हमेशा बाबा साहब का सम्मान कार्यक्रम करती आई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हर बूथ पर बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण करना का कार्यक्रम रहा है। और उसके बाद आज यहाँ एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया हुआ, जिसमें हमारे सांसद चंद्रसेन जादौन जी, विधायक मनीष असीजा जी और महापौर गुप्ता जी लजीज और टेस्टी खाना खाना है तो आइए अपने नानक फूड कोर्ट एंड फैमिली रेस्टोरेंट पर, जहां आपको मिलेगी टेस्टी और यमी सोया चाप, तंदूरी चाप, टेस्टी पनीर टिक्का, पंजाबी तंदूरी पराठा स्पेशल। चाप बहुत अच्छी है, पनीर टिक्का बहुत अच्छा है और पनीर मिर्ची बहुत ही गुड है। मुझे तो नानक फूड कोर्ट का खाना काफी पसंद आता है। कृपया आइएगा जरूर नानक फूड कोर्ट एंड फैमिली रेस्टोरेंट पर। एक बार आएंगे तो बार बार आने का करेगा मन। हमारा पता है दाऊजी रेस्टोरेंट के सामने, MG रोड फिरोजाबाद।
अजी सुनते हो, बच्चों के एडमिशन शुरू हो चुके हैं, कुछ सोचा है बच्चों के बारे में? बिल्कुल सोचा है जी, मुझे भी बच्चों की चिंता है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कौन से स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराया जाए। आप ज्यादा ना सोचिए, मैं कहती हूँ बच्चों का भविष्य बनाना है तो बच्चों का एडमिशन सिर्फ किड्स कॉर्नर स्कूल में ही कराइए, क्योंकि किड्स कॉर्नर स्कूल में ही मेरे बच्चे बेहतर शिक्षा पा सकेंगे। Extraordinarily, but we teach ordinary things extraordinarily well.